हेलो एवरीवन आज का सम है अंडर रूट प्लस टू वन और यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे अंडर रूट प्लस इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन इंटू टू एक्स इक्वल टू टू एक्स और अंडर रूट इक्वल टू टू एक्स माइनस यक्स यहाँ पर x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर चले गए हैं और अंडर रूट इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू यक्स लेफ्ट हैंड साइड में यक्स अंडर रूट के अंदर है इसलिए यहाँ पर करेंगे हम स्क्वेरिंग बोथ साइड जिससे कि मेरा अंडर रूट हट जाए जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तब ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर यहाँ देखिए स्क्वायर एंड अंडर रूट दोनों कैंसिल और यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर और यक्सक्वायर इक्वल टू यक्स भी हम लिख सकते हैं और यक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड से यक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए हैं और यहाँ देखिए यक्स कॉमन है कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो टू जीरो यानी एक्स का एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुका है एंड वेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो टू वन एक्स का अनदर वैल्यू भी मुझे यहाँ पर मिल गया है अब हम चेक कर लेते हैं कि यक्स का जो टू वैल्यू जो मुझे मिला है जीरो एंड वन

यानी एक्स इक्वल टू जो जीरो आया है इस वैल्यू को अब हम रिजेक्ट कर सकते हैं अब हम एक्स का वैल्यू जो वन है उसको चेक करते हैं एक्स इक्वल टू वन देस इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वन बाय टू इंटू वन अंडर रूट वन इक्वल टू वन प्लस वन बाय टू एंजा टू इक्वल टू वन प्लस वन यानी टू बाय टू जा टू वन जाक्वल टू राइट हैंड साइड यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी x इक्वल टू वन ओनली वन सोल्यूशन यहाँ पर मुझे मिला है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू